नमस्कार दोस्तों, झारखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड के विभिन्न इलाकों का मौसम बदलेगा तो कई जगहों पर भारी मौसम में बदलाव के साथ बरसात होगी। तो कैसा रहेगा पूरे झारखंड का मौसम, कौन से जिले में कितनी बरसात होगी, एकदम सही जानकारी, सटीक जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आप भी लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, धनबाद, देवघर, बोकारो, चतरा, सिमडेगा, खरसावां, सरायकेला, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, पलामू समेत किसी भी जिले, गांव या शहर में रहते पूरे झारखंड के, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप झारखंड के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं। तो दोस्तों, झारखंड के 11 जिलों में मौसम बदल सकता है, विभिन्न इलाकों पर उतार चढ़ाव जारी है। झारखंड मौसम विभाग की माने तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम स्थिर रहेगा और अधिकतर जिलों में दोस्तों आगामी 5 से 6 दिन के अंदर अंदर दोस्तों जो है राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो विभिन्न इलाकों पर दोस्तों अभी जैसी बरसात हो रही वैसी जारी रहेगी और विभिन्न इलाकों पर हल्की से मध्यम और कई जगहों पर भारी प्रबल संभावना बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात होने की आशंका भी काफी अधिक जताई जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी दोस्तों कई जगहों पर मौसम बदल रहे और बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण दोस्तों जो है झारखंड के विभिन्न इलाकों पर अच्छी खासी बरसात और लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को काफी से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग की माने तो लोहरदगा, कोडरमा समेत विभिन्न इलाकों पर दोस्तों जो है ठंडा सोना मौसम हो गया और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां के साथ साथ देवगढ़, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद में अगले 2 दिनों के दौरान और भी ज्यादा मौसम में परिवर्तन और यहाँ पर पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान भी अच्छी बरसात देखने को मिली है। वह जैसे बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर पिछले कई दिनों के दौरान झारखंड के विभिन्न जिलों पर देखने को मिला। यही कारण है कि राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश हुई है। रांची मौसम विभाग की माने तो अधिकतर इलाकों में बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया था। यही कारण है कि विभिन्न इलाकों पर अच्छी खासी बरसात और बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन का दबाव कमजोर पड़ने लगा है और इसी के साथ ही दोस्तों झारखंड के विभिन्न इलाकों पर हमें मौसम बदलता हुआ भी नजर आ रहा है। लोहरदगा की बात की जाए तो 4 दिन छिटपुट और सोमवार, मंगलवार, बुधवार से यहां पर भारी बरसात और बिजली चमकेगी। लगातार उतार चढ़ाव जारी रहेगा और बारिश से भारी मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यहां पर लातेहार की बात की जाए तो लातेहार में 4 से 5 दिन छिटपुट और मंगलवार, बुधवार से भारी बरसात हो सकती है। कोडरमा में 4 से 5 दिन छिटपुट और मंगलवार, बुधवार से भारी बरसात होगी। खूंटी में दोस्तों 4 दिन छिटपुट और सोमवार, मंगलवार से भारी बरसात और बिजली चमकेगी। जामताड़ा में 4 से 5 दिन छिटपुट, बरसात और बादल छाए रहेंगे, उसके बाद भारी बरसात देखने को मिल सकती है। हजारीबाग में 4 से 5 दिन छिटपुट के साथ अच्छी और सोमवार, मंगलवार से भारी बरसात होगी। गुमला में दोस्तों 4 दिन तक छिटपुट और सोमवार, मंगलवार, बुधवार से भारी बरसात देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों मौसम विभाग की माने तो गोड्डा में 2 दिन बादल छाए रहेंगे और शनिवार, रविवार से भारी बरसात और बिजली चमकेगी। लगातार उतार चढ़ाव जारी रहेगा। गिरिडीह में आज और कल बादल छाए रहेंगे और 4 दिन छिटपुट और मंगलवार, बुधवार से भारी बरसात के आसार है। गढ़वा में 4 से 5 दिन छिटपुट और मंगलवार, बुधवार से भारी बरसात के आसार है। पूर्वी सिंहभूम में अगले 24 घंटों के दौरान भारी और छिटपुट बरसात की संभावना है। दुमका में 4 से 5 दिन छिटपुट और सोमवार, मंगलवार से भारी बरसात होगी। धनबाद में 4 दिन छिटपुट और सोमवार, मंगलवार से छिटपुट बरसात हो सकती है। देवगढ़ में 3 से 4 दिन छिटपुट और सोमवार, मंगलवार, बुधवार से भारी बरसात होगी। बोकारो में 4 से 5 दिन छिटपुट और सोमवार, मंगलवार से भारी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। चतरा की बात की जाए तो 5 से 6 दिन छिटपुट बरसात, उसके बाद भारी बरसात होगी। सिमडेगा में 4 दिन छिटपुट और सोमवार, मंगलवार, बुधवार से भारी बरसात देखने को मिल सकती है। खरसाओं में शुक्रवार को भारी बरसात होगी, छिटपुट के साथ अच्छी मौसम में बदलाव और 30-31 के करीब तापमान रहेगा। सरायकेला में तेज हवाएं चल रही और शुक्रवार शनिवार को छिटपुट बरसात और उतार चढ़ाव जारी रहेगा। साहिबगंज में दोस्तों अगले 7 दिनों तक छिटपुट बरसात और बिजली चमक सकती है। रांची में 4 दिन छिटपुट और सोमवार, मंगलवार से भारी बरसात के आसार है। रामगढ़ में 4 दिन छिटपुट और सोमवार, मंगलवार, बुधवार को भारी बरसात देखने को मिल सकती है। पलामू में 4 से 5 दिन छिटपुट, उसके बाद अच्छी बरसात और भारी बरसात देखने को मिलेगी। पाकुड़ में 4 दिन छिटपुट और सोमवार, मंगलवार, बुधवार से अच्छी बरसात होगी। वहीं दोस्तों मौसम विभाग की माने तो लगातार उतार चढ़ाव जारी और झारखंड के विभिन्न इलाकों पर मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। तो यह था झारखंड का मौसम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।